अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खैरियत है? आप इस तरह से यहाँ अकेली चुप चुप बैठी हुई? वो एनी पढ़ रही है और आशियांसा के साथ डॉक्टर के पास गई है। खैरियत क्या हुआ खाला को? नहीं नहीं, खाला को कुछ नहीं हुआ, वो आशी को लेकर गई। आशी को लेकर गई? कुछ दिनों से आशी की तबीयत कुछ ढीली सी थी, मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास हुआ है ताकि तसल्ली हो जाए। अम्मा मुझे बता देते, मैं ले जाता किसी डॉक्टर के पास या कम से कम यूनिवर्सिटी से सीधा उसके पास चला जाता। खैर कौन सी डॉक्टर के पास गई है? नहीं बेटा, वो लेडी डॉक्टर के पास गई है लेकर, लेकिन अब काफी देर हो गई है, आने वाली होंगी बस। हाँ मले, कैसी तबीयत है तुम्हारी? सब खैरियत तो है ना? आपा मुबारक हो, बहुत बहुत, आप दादी बनने वाली हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आंसा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह खैरियत का वक्त लाए। आमीन आमीन। ये क्या? मैं तो तुमसे लड़ने के मूड में था। तुम इस तरह शर्मा कर ना, मुझे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करो। क्यों लड़ना है मुझसे? जी चाह रहा है मेरा। ये क्या बात हुई? जी चाहेगा तो लड़ने लगोगे मुझसे? जब तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी ना, तब लड़ूंगा तुमसे। जब लापरवाही करोगी तब लड़ूंगा तुमसे। जब मेरे बच्चों को डांटोगी ना, तब लड़ूंगा तुमसे। आशी डॉक्टर के पास जाना था तो मुझे बता देती, मैं ले जाता तुम। मैं चाहती थी पहले कंफर्म हो जाए ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। थैंक यू सो मच। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने कितनी बड़ी खुशी दी मुझे। ये खुशी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की है। आई लव यू आशी। आई लव यू। कितना डालो? हाँ बस थोड़ी सी डालो, जरूरत होगी और डाल लेंगे। थोड़ी थोड़ी। किन कामों में लगी हुई हैं आप दोनों? अरे बेटा तुम क्यों आ गई यहाँ? खाला अब क्या बिस्तर से पांव भी ना नीचे रखूं क्या? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है। और वैसे भी आशीबाजी, आपकी खिदमत का टास्क तो मैंने ले लिया, मेरी बस एक शर्त है। शर्तें शुरू हो गई हैं इसकी। क्या शर्त है तुम्हारी? बस आपका जब बेबी आएगा ना, उससे सबसे ज्यादा मैं खेलूंगी, बल्कि उसे तो मैं अपने पास ही रख लूंगी। अरे वाह डर। हाँ इसी बहाने काम से जान छूट जाएगी इसकी। मैं इतनी भी कामचोर नहीं हूँ जितना आप समझती हैं। कितनी नहीं हो लेकिन वो कामचोर। चलो मैं लेकर आ रही हूँ। खाला आप शर्मिंदा मत करें, अगर ऐसा करेंगे तो मैं अपने काम सारे खुद कर लूंगी। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें हिलने ना दूं। आंसा से डॉक्टर ने कहा है कि एहतियात बहुत जरूरी है। आपकी दुआएं हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो जाओ जाओ आराम करो। चलो अभी अभी लेकर आते हैं आपको।